हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि नमूना प्रश्न पत्रिका, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अपलोड करूं, तो मैं यहां पे आपको दिखा देती हूं कि आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो किस तरीके से आने वाला है। तो बिल्कुल पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बाकी आने वाला ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे है, एक राजा था उसको चार बेटियाँ थी, यानी यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा लेसन है, ये पैराग्राफ दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये प्रथम संत्रांत परीक्षा है, यानी कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसका है, तो उसका ये सब आने वाला, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं आपको जस्ट ऐसे ही दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, आता ऐसे ही है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे पहले आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर उसी पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फटाफट देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका जो था पेपर वो पूरा 50 मार्क्स का है, और सेकंड सेमेस्टर में भी जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन है। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर कौन कौन सा किस तरीके से आता है। ये देख लो, ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का है ये सारे। अब हम देखते हैं द्वितीय संत्रांत परीक्षा, यानी सेकंड सेमेस्टर परीक्षा देखते हैं हम एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखो, दूसरी इकाई पाठ 1 से 9 तक। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में कोई लेसन ऑमिट किया गया है तो फिर वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, पोर्शन तो आपको भेज दिया होगा कि कौन कौन सा आने वाला है, तो अगर उसमें जो लेसन नहीं आने वाला है तो आपको पता ही होगा। वैसे यहाँ पे क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे दिया गया है 1 से 9 तक, यानी पूरा दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप देख रहे हो ये लेसन कौन सा है, आपको पता है, तो ये जो दांत और जीभ वाला लेसन है वो वाला है, पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन ध्यान से देखो, दांतों की विशेषताएं क्या है, यहाँ पे चार आपको बताने हैं। यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो आंसर। ठीक है, अलग से मैंने सारे जो जितने भी लेसन है सबका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया, तो उसमें आप अच्छे से देख के पढ़ सकते हो कि इसमें क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये आपको पता है, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा रही हूँ यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे देखो मार्क्स भी देखते चलो, इसका मार्क्स देख लो आप। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, तो आप देख सकते हो 2 मार्क्स का है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, उत्तर लिखिए, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपको देना है यहाँ पे। और तीसरा क्या है, यहाँ पे वाक्य पूर्ण कीजिए, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो और अंदर से, ये हमने पढ़ा था, जीव ने बोला था दांतों को, यह मत भूल कि हमारी, ये दांतों ने बोला है। तो ये आगे क्या आएगा, जो उन्होंने बोला है वो पूरा कंप्लीट करना है, जो सेंटेंस उन्होंने बोला है ना आगे, स्वच्छ हो और, तो उसके आगे क्या आएगा, वो पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेकेंड भी यही करना है आपको, सेकेंड पूरा कंप्लीट करना है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम उसी पैराग्राफ से। अभी तक क्वेश्चन ये मैंने आपको जब डाइजेस्ट का आंसर बताया था तब भी मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई थी कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पूछा जा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो यहाँ पे देखो, पहला दिया गया है गर्व, दूसरा है कृपा। ठीक है, तो इससे आपको क्या बनाना है, विशेषण, तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द ढूंढ कर लिखिए। उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के पहले आता है, जो ऐड किया जाता है उपसर्ग। ठीक है, यानी प्रीफिक्स, तो इसमें से ढूंढ के आपको बताना है। ओके, कि इसमें कौन सा, ऐसे 2 शब्द आपको बताने हैं जो क्या हो, वो उपसर्ग लगा हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखो दुस्साहसी, तो यहाँ पे देखो साहसी है और दुस, यानी कि दुस आधा स है ये, तो साहसी में ऐड कर दिया क्या हमने, दुस, तो ये क्या हो गया, दुस्साहसी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक तुम्हारा उपसर्ग, और भी ऐसे आप ढूंढ सकते हो, जैसे मैं बता दूँ तो असहाय, सहाय हो गया, और अ लगा दिया तो असहाय हो गया, तो वो भी उपसर्ग है। तो ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ, मैं सिर्फ फिर से आपको यही बता दे रही हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ पैटर्न। अब यहाँ पे देखो, जो पैराग्राफ दिया गया है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो लास्ट में रहता है, और वो 2 मार्क्स का रहता है, और यहीं फिर ये पैराग्राफ का क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है। 4th क्वेश्चन क्या है, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। ठीक है,
इस विषय पर अपने मन के भाव लिखिए। तो विनम्रता, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब वो अ वाला था, ये आ वाला है, प्रश्न एक का आ है। तो आपने देखा कि उसमें भी किस तरीके से पहले परिच्छेद दिया गया था, पैराग्राफ दिया था गया था, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ से रिलेटेड, पूरा ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्या है। मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर का भी और एक्सप्लेनेशन का भी, दोनों ही देख लेना, जो भी जिससे भी आपको हेल्प मिल सके आप दोनों देखो तो दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखना है और ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। अब यहाँ पे देखो ये सब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑर्डर में लिखना है आपको, सीक्वेंस में, पहले कौन सा लाइन आएगा वो लिखना है। ये मैंने बताया आपको कि ये लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे उस लेसन को, तो अच्छे समझ में आएगा आपको। ये 2 मार्क्स का ये भी है। परिच्छेद में प्रयुक्त 2 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। ये क्या है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, विशेषण आपको पता होगा और ये लेसन मैंने पढ़ाया है, तो अच्छे से देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको। डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड किया है, ये 1 मार्क्स का है यहाँ पे। उसके बाद परिच्छेद में प्रयुक्त 2 प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। प्रत्यय जैसे उपसर्ग में क्या होता है कि पहले लगाते हैं कुछ शब्द, तो एक कुछ वर्ड लगाते हैं तो वो एक नया शब्द बनता है, प्रत्यय में क्या होता है लास्ट में लगाते हैं तो वो नया शब्द, जैसे यहाँ पे जैसे भाग्य, भाग्य हुआ तो भाग्य में वान लगा दिया तो ये क्या हो गया, भाग्यवान हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रत्यय जुड़ा, क्या, वान जुड़ा प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 दिया है तो दोनों का आपको बताना है, प्रत्यय शब्द बताना है और प्रत्यय क्या जुड़ा उसमें वो बताना है। दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, 2 मार्क्स का है। मैंने बताया कि लास्ट में जो इस तरीके से आता है अपने से लिखना होता है, अपने विचार लिखने होते हैं, तो 2 मार्क्स का होता है, ओके। यहाँ पे दिया गया है पद्य, यानी ये देखो ये अश्वत्थामा वाला लेसन है, आई थिंक लेसन नंबर 6 है ना, तो वो दिया गया है। तो किसी किसी के स्कूल में अगर वो ऑमिट है तो फिर आपको यहाँ पे दूसरी कविता का देंगे, अगर यही दिया है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। लेसन थोड़ा सा हार्ड है, इसमें टफ वर्ड ज़्यादा है, मैंने वीडियो बनाया, एक्सप्लेनेशन भी बनाया, क्वेश्चन आंसर का भी बनाया है, दोनों अच्छे से देख लेना। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, तो ये 4 उसको आपको आंसर लिखने हैं, वो आपको बताना है। पद्यांश में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे देखो 2 आपको ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखने हैं जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। मैंने आपको बताया कि प्रत्यय लास्ट में लगता है किसी शब्द के। नेक्स्ट है पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ कर लिखिए। 2 विशेषण आपको बताना है, ठीक है, विशेषता बताने वाले, किसी बताने वाला, ठीक है, वो मैंने किसी लेसन में तो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन आंसर देखोगे ना, तो लास्ट में मैंने जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी मैंने कवर कराया हुआ है, तो आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको कोई लगता है कि नहीं मैंने कवर नहीं कराया, छोड़ दिया है ग्रामर वाला पार्ट, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं बना दूंगी, ओके, उसका वीडियो। नेक्स्ट उसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये हमेशा 2 मार्क्स का आएगा, जिसपे जो दिया जाता है लास्ट में वो अपने विचार लिखने होते हैं, ये आपके डाइजेस्ट में दिया होता है और मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का आ पद्य वाला, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान दो कि वहाँ पे हमने देखा सब गद्य वाला था, ठीक है, अब यहाँ पे देखो पद्य वाला क्या है। अपने स्कूल में, आपके स्कूल में अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट पैटर्न जो रहता है वो यही रहता है, ठीक है। तो पहला पद्य का हमने ये देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक पैराग्राफ और दिया गया है यहाँ पे, आकृति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों करना है, दोनों 1-1 मार्क्स का है, इधर पे भी 1 मार्क्स का है, इसका भी यहाँ पे 1 मार्क्स का है, ओके। सेकंड देखते हैं, लय संगीत निर्माण करने वाली 2 शब्द जोड़ियाँ लिखिए। लय संगीत यानी कि जैसे धान से, छाम, रा, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आपको लय संगीत निर्माण करने वाली 2 शब्द जोड़ियाँ लिखिए, लय, ताकि दोनों एक जैसे दिखें, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 ऐसे लिखने, जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं वैसे, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये लेसन पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आंसर मैंने बना के दिया हुआ है, अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लेना। इस पद्यांश से मिलने वाला संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पद्यांश से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या आपको सीखने को मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, वो आपको लिखना है। तो आपको टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारे लेसन का अच्छे से क्वेश्चन आंसर पढ़ो, सब आप कर पाओगे, ठीक है। व्याकरण और भाषा ज्ञान, देखो व्याकरण यहाँ से स्टार्ट होता है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
घोड़े बेचकर सोना, ये आपके लेसन आपके बुक में है, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा। तो घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होकर सोना, बहुत ज़्यादा सोना, हम देखते हैं ना जो कहानी रहता है, लघु कथा उसमें रहता है। निम्नलिखित कारक विभक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ने में, तो कारक भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है किसी लेसन में, लास्ट में है, क्वेश्चन आंसर के पार्ट में है, तो कारक मैंने समझाया है, तो वो लेसन अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसका सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसा बनाना है कि उसमें ने आए और मे आए। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ने क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ ना, तो ने आया ना, राम ने, तो वो ने आया। मैं जैसे मैं बोलूं कि बैग में बुक है, या कुछ ऐसे और भी, जैसे जल में मछली है, तो मैं आया ना वहाँ पे, इस तरीके से। निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है जिसमें ये दोनों वर्ड यूज़ हो सकें, ठीक है। जैसे राम पढ़ने गया परंतु श्याम स्कूल नहीं गया, ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो राम स्कूल गए या परंतु वो पुस्तकें लेना भूल गया, इस तरीके से आप बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही दो आएंगे, अव्यय आपको कुछ भी आ सकता है, तो आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जो भी क्वेश्चन आंसर आपके पास है, चाहे आपने लिखा है आपके स्कूल से, चाहे आपके पास डाइजेस्ट है, या फिर जो मैंने बनाया हुआ है उसमें पढ़ रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, सकना पढ़ना, तो यानी कि सकना क्या है, सहायक क्रिया है, पढ़ना भी सहायक क्रिया है। तो जैसे पढ़ना का मैंने आपको बताऊं कि वो बीमार था फिर भी उसे बाजार जाना पड़ा, ठीक है, तो पढ़ना हमने यूज़ कर लिया पढ़ा। सकना का जैसे वो पुलिस बन सकता है, वो भले ही कमज़ोर है पर वो पास हो सकता है, तो सकना का यहाँ पे मैंने बना दिया सेंटेंस। तो ये जो क्रियाएं हैं उनका ऐसा वाक्य बनाना है कि जो जिसमें ये दोनों क्रियाएं यूज़ हो। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए, जैसे नदी सीता, अब नदी क्या है सीता क्या है, तो देखो पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम नेचर, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ये आई थिंक लेसन नंबर कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें है संज्ञा वाला लेसन, संज्ञा वाला पार्ट है, तो मैंने समझाया है आपको। तो सीता क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जबकि नदी क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। नदी इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नदी का नाम, जैसे मैंने बोला गंगा नदी, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सीता मैंने किसी का नाम बोला है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं देख के बताऊंगी, अगर आपको याद नहीं है कि मैंने व्याकरण किस में पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं देख के बताऊंगी कि व्याकरण किस में है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगी कि किस पार्ट में है ये संज्ञा वाला पार्ट। निम्नलिखित विशेषण शब्दों के भेद लिखिए, वह चार, विशेषण भी मैंने पढ़ाया है, बस मुझे देखना है कि किस लेसन में है विशेषण, मुझे याद नहीं है, तो अगर आपको चाहिए कि विशेषण आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करना, विशेषण आपको अगर विशेषण वाला पार्ट आपको चाहिए, वैसे तो आपको मिल जाएगा हर क्वेश्चन आंसर का, आप देखोगे अच्छे से वीडियो तो हर क्वेश्चन आंसर में कुछ ना कुछ ग्रामर पार्ट लास्ट में है, तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम सब है, तो आप देखोगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगा, बट अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगी विशेषण, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखिए, जैसे तुम्हारे दाने कहाँ हैं, तो तुम्हारे दाने कहाँ हैं, तो ये तुम्हें पता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, तो यहाँ पे अरे रामू के बापू, तो अरे कि हमें पता है, यहाँ पे हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा कि जो लघु कथाएं हैं उसमें ये है, तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि कहाँ पे आपको कौन सा मार्क बनाना है, कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह यानी कौन से मार्क्स यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन मार्क एक्सक्लामेशन मार्क कौन सा। एट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए, कवयित्री ये क्या है, ये जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कवित्री का लिख देंगे, कवि पिता का लिख देंगे, माता, ऐसे नहीं, यहाँ पे बोला है लिंग पहचान कर लिखिए, तो पिता क्या है यहाँ पे पुलिंग है, कवित्री क्या है स्त्रीलिंग है, तो वो लिखना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, प्रार्थना कपड़ा, तो इसका क्या होगा, तो वो आप वचन बदलना है, कपड़ा कपड़े, ठीक है, तो इस तरीके से आपको वचन बदलना है। एक चीज़ और ध्यान देना है, कभी कभी हम वचन नहीं बदल सकते, वही का वही रहता है, जैसे आम, तो आम का आम ही रहेगा, बहुवचन चाहे एक वचन, ठीक है, आमे आमों ये सब नहीं बोलते। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द लिखिए, विवेकी, तो हम उपसर्ग ये जोड़ना है तो पहले लगा देंगे अविवेकी, जिसके अंदर विवेक नहीं है, विवेकी यानी जिसके अंदर विवेक है, सोचने समझने की बुद्धि है। उत्तर, तो उत्तर यानी आप लगा सकते हो निरुत्तर, ठीक है।
निरुत्तर, जो निरुत्तर हो गया, उत्तर यानी उत्तर जिसके पास हो, निरुत्तर जिसके पास कोई उत्तर ना हो। उपयोजित लेखन, यहाँ पे देखो ये आपको आता है, आई थिंक ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है, मुझे याद नहीं, यहाँ पे मार्क्स थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो 4 या 5 मार्क्स का आता है ये, तो आप अच्छे से देख लो। निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका अकोला को दूषित पानी की आपूर्ति होने के बारे में, ये मैंने बताया हुआ है किसी भी किसी तो लेसन में है, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर है तो वो मैंने बताया हुआ वहाँ पे पत्र लेखन है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाल पुस्तक मेला का विज्ञापन तैयार कीजिए, ये भी मैंने बताया हुआ है किसी लेसन में लास्ट में है, तो सारे क्वेश्चन आंसर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता किस में है, आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मिस ये जो विज्ञापन है बाल पुस्तक मेला, लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, हाँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा कि कौन सा इसमें विज्ञापन है, तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो कि मिस बाल पुस्तक मेला ये जो विज्ञापन है किस में है, कौन से लेसन में है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित मराठी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जैसे यहाँ पे देखो एक राजा होता, तो ये क्या बोला है हिंदी में अनुवाद करो, तो यहाँ मराठी में दिया हुआ है आपको हिंदी में बनाना है। एक राजा होता, एक राजा था, राजा तो त्यामुळे पैशांच्या राशी त्याच्या पयाशी, यहाँ पे क्या करना है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है यानी ट्रांसलेट करना है। उसके बाद 100 शब्दों में आपको 8200 वर्ड्स में आपको निबंध लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। क्या दिया गया है यहाँ पे, तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम, उससे नुकसान क्या क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपको भी पता होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में बता, आपके टीचर्स भी आपको बताए होंगे और आपने देखा भी होगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनके पास डाइजेस्ट नहीं है, जिनको पता नहीं है, और जिन लोगों ने कमेंट किया है कि मिस क्वेश्चन पेपर भी बता दो, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे बना दिया। आपको सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए नेसेसरी है जानना कितने मार्क्स का होता है, कैसे आता है, वो सब जानना जरूरी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प मिले, ठीक है।